हेलो गाइस, मैं हूं मुनीश। और धर्मशाला सीरीज़ की पहली दो वीडियोस में हमने नॉर्बुलिंगा, टी गार्डन, नड्डी, डल लेक को कवर किया। और धर्मशाला सीरीज़ की लास्ट इस वीडियो में हम लोग मैक्लो मोनास्ट्री, बागसुनाग वाटरफॉल को कवर करेंगे, वहां घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है वहां पे। बाकी चलिए जर्नी शुरू करते हैं। स्पॉट है यार, यहाँ पर ना यहाँ जाम लगता ही लगता है, हमेशा जाम लगता है, 12 महीने का जाम है यहाँ पे। ये अपने पार्किंग वाले भाई मिले, भाई कहते 4 घंटे भी लग जाएंगे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जाओ 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 ऐश करो। चला तो ऐसा है भाई की पार्किंग के बाद अब मैक्लो घूम रहे हैं। मौसम तो बहुत सही है, बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि बाजार खाली होगा, छाते का जुगाड़ करना पड़ेगा, छाता चाहिए। अरे भाई अक्षत को लेकर जा रहे हो साथ में? गाड़ी वाले ने चक दिया था इसको, कहते थे ये पंजाबी लग रहा है, इसको पंजाब लेके जाएंगे। पंजाब रह के आ गया भाई। और बारिश का फायदा ये है कि ब्रश कम है, सड़कें खाली हैं, बहुत ही कम है। यहाँ से आगे जाके भागसुनाग का भी रास्ता है, पर हमने कहा कि पहले मार्केट में गेड़ी मारा था। तो अभी मैक्लो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो मोनास्ट्री है अपनी धर्मशाला की, वहाँ जाएंगे जहाँ दलाई लामा जी रहते हैं। और देखते हैं, नॉर्बुलिंगा ने तो मतलब माइंड ब्लो ही कर दिया था कि जो यहाँ की जो मोनास्ट्री है, मैं यहाँ पे कभी गया नहीं हूँ अंदर, वहाँ पे भी जाके देखते हैं कि अंदर कैसा सिस्टम है वहाँ पे। मोनास्ट्री के पास ही पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। बाकी मार्केट में आज चहलकदमी जो है वो कम है। हर मोनेस्ट्री में ना अलग सी वाइब होती है, यहाँ पे भी अलग सी वाइब है। और महात्मा बुद्ध अपने
जगह तो बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। मोनेस्ट्री जो जिस भी मोनेस्ट्री आए हैं बहुत मज़ा आया। और बुलिंग का जो है वो इंस्टीट्यूट वो भी बहुत बढ़िया था, और ये भी कुछ अलग जगह है। हर एक रोटेशन के बाद में बैल मिलती है। बहुत अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा शांति थी। अभी चलते हैं हम लोग ना, और बारिश हो रही है। आज क्या खाया जाएगा, क्या खाया जाएगा? नॉन वेज। लगी जान है मैकलो। तो मैकलो के हम इस जंक्शन पे पहुंच गए। ये है वो जगह। अब है क्या, यहाँ पे द पेस्ट्री डन है, इसके पास से हमारे पास ना रास्ता जाता है। तो दो रास्ते कटेंगे, तो जो अपने पास नीचे वाला रास्ता है वो जा रहा है बागसुनाग वाटरफॉल, और जो ये ऊपर वाला रास्ता है ये जा रहा है धर्मकोट को। भाई हम लोग बागसुनाग पहुंच गए हैं, और दूर से व्यू देखो भाई, और ऊपर तो कुछ कतई खतरनाक मौसम हो रखा है भाई, और स्नोफॉल ऊपर हो रही है टॉप पे। बाकी अक्षत पूरा परेशान हो, तो इसके दिमाग में यही चल रहा है कि इतना चढ़ना पड़ेगा यार, क्या ज़िंदगी में कह रहा जाएगा। हम एग्जैक्टली बागसुनाग टेम्पल के सामने, लेकिन अभी मंदिर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि हम लेट हो गए हैं। वाटरफॉल तक भी जाना है, बाकी देखते हैं। बाकी अक्षत बोल रहा था यहाँ स्विमिंग पूल है, उसमें नहाना भी आएगा। अक्षत यहाँ से सीधा वाटरफॉल पर आता है। हमें वहाँ जाना है भाई। मुसाफिर बंदे चल पड़े हैं मंजिल की ओर, और यहाँ पे आके एक बात करने का ख्याल रखो भाई, पूरा जो है ऐसे से बिन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उन बिन्स में डालो या फिर अपने साथ वापस लेकर जाओ। वाटरफॉल तक पहुँच गए, नीचे बहुत गहरी गौर है, पहले ही थोड़ी सी बंद हो गई, लेकिन लास्ट टाइम जब बाढ़ आई सब ओपन हो गया भाई, और वहाँ धर्मशाला का स्टेडियम नज़र आता है। बागसुनाग वाटरफॉल, और क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो फ्लो बहुत ही कम है, अदरवाइज ये सारा का सारा एरिया पानी से भरा रहता है। वाटरफॉल तो हम लोग जाए, और वहाँ हमने वापस जाना है। आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं, और भाई मज़े आ रहे हैं। मौसम बड़ा औसम है आज का। तो अभी बागसुनाग वाटरफॉल से आगे दोबारा हम लोग मैकलो जा रहे हैं।